हाय दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है तो दोस्तों जो एग्जिट एग्जाम की सीरीज चल रही है उसमें आगे के क्वेश्चन जल्दी से हम देख लेते हैं तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पिछली वीडियो का लाभ उठा सकते हैं तो दोस्तों न देरी के जल्दी से देख लेते हैं पहला क्वेश्चन यानी थर्टी क्वेश्चन तो इन साइक्लोन सेपरेटर यानी साइक्लोन सेपरेटर में ब्लैंक दे रखा है इज लोकेटेड एट द टॉप यानी टॉप पर लोकेटेड है ऑफ द बेसल हेल्प्स इन रिव्यूइंग द फ्लूड तो फ्लूड आउटलेट टेंजेंशियल इनलेट कॉनिकल बेस ऑफ फ्लूड इनलेट तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लूड आउटलेट इज द करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी ब्लैंक दे रखा है इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इन लिक्विड्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री ब्लैक है इज यूज फॉर सेपरेटिंग देवी और कोर्स फ्रैक्शन फ्रॉम द फाइंडस्ट दोस्तों फाइंडस्ट से हैवी और कोर्स फ्रैक्शन को सेपरेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है साइक्लोन सेपरेटर का फिल्ट्रेशन का एवे का या डिस्टिलेशन का तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइक्लोन सेपरेटर का यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर ड्यू टू बुलंदर का है ड्यू टू ड्रॉप द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ साइक्लोन सेपरेटर इज हाई तो टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी वॉल्यूम तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रेशर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी फाइव इसमें पूछा गया है तो साइक्लोन सेपरेटर कैन नॉट बी यूज फोर तो दोस्तों साइक्लोन सेपरेटर का यूज किसके लिए नहीं किया जा सकता है तो नॉन स्टिकी मटेरियल्स के लिए हाई डेंसिटी मटेरियल्स के लिए स्टिकी मटेरियल्स के लिए या लो डेंसिटी मटेरियल्स के लिए तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्टिकी मटेरियल्स के लिए साइक्लोन सेपरेटर का यूज़ नहीं किया जा सकता है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स इज अ टाइप ऑफ ब्लैंक दे रखा है टेक्निक विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रिक्यूगल फोर्स दोस्तों साइक्लोन सेपरेटर इज अ टाइप ऑफ तो दोस्तों किस प्रकार की टेक्निक है जो सेंट्री फोर्स के प्रिंसिपल पर काम करता है तो सेडिमेंटेशन एवेपोरेशन फिल्ट्रेशन या डिस्टिलेशन तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेडिमेंटेशन इज द करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों अब हम नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करने वाले हैं वो है मिक्सिंग एंड होमोजेनेशन या है मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन तो दोस्तों इसके एमसीक्यू जल्दी से देख लेते हैं तो दोस्तों पहला एमसीक्यू है इसका ब्लैंक दे रखा है इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर इंग्रेडिएंट्स आर टीटेड सो दैट एवरी पार्टिकल ऑफ एनी वन इंग्रेडिएंट लाइज एज नियर एज पॉसिबल टू द पार्टिकल ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट तो एजिटेशन साइज रिडक्शन मिक्सिंग और साइज सेपरेशन तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिक्सिंग यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ब्लैंक दे रखा है आर एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड्स विद और विदाउट नॉन बिस्कस सॉलिड्स तो दोस्तों इसमें एग्जांपल्स पूछे हैं लिक्विड्स विद और विदाउट नॉन विस्कस सॉलिड्स के तो हेवी ऑयल्स लाइट ऑयल्स पेंट्स और लोशंस तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लाइट ऑयल्स इसके एग्जाम्पल्स होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री ब्लैंक आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स यानी लिक्विड्स के एग्जाम्पल विद और विदाउट एंड पोरबल सॉलिड्स तो पेंट्स लूसन्स लाइट ऑयल्स और ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर्स तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसके एग्जाम्पल्स होते हैं पेंट्स क्या होती हैं पेंट्स होती हैं तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर इसमें भी दो, दो दोस्तों एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं ब्लैंक दे रखा है आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स विद सॉलिड्स फॉर्मिंग स्टेप पेस्टिज कैसी फॉर्म के सॉलिड फॉर्मिंग स्टेप पेस्टि के एग्जाम्पल क्या हैं तो हैवी ऑयल्स लोशन लाइट्स ऑयल्स ऑयल बाउंड तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑयल बाउंड इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव द इंड्यूस्ड सर्कुलर मोशन ऑफ द मटेरियल विद इन अ टैंक और बेसल इज कॉल्ड तो दोस्तों किसके रूप में जाना जाता है एजिटेशन साइज रिडक्शन सेपरेशन और मिक्सिंग तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजिटेशन यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स द डायमीटर ऑफ इंपेलर यानी इंपेलर का डायमीटर है ब्लैंक दे रखा है द डायमीटर ऑफ द टैंक तो दोस्तों उसका कितना होता है यानी टैंक का डायमीटर कितना होता है द डायमीटर ऑफ इंपेलर इज क्वार्टर वन थर्ड टू थर्ड या हाफ तो दोस्तों कितना पार्ट होता है उसका उसका होता है वन थर्ड यानी वन बाई थर्ड बटे तीन नेक्स्ट क्वेश्चन कुछन है क्वेश्चन नंबर सेवन ब्लैंक दे रखा है इमलशन यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हेट्रोजीनस मिक्सचर्स के एग्जाम्पल्स होती है इमल्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो है क्वेश्चन नंबर एट आपकी स्क्रीन पर मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स एंड सोलूवल सॉलिड्स आर नॉन एज ब्लैंक देर का है मिक्सिंग तो दोस्तों मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स एंड सोल्यूबल सॉलिड्स आर नॉन एज किसके रूप में जाना जाता है तो होमोजीनियस मिक्सिंग हेट्रोजीनियस मिक्सिंग या एजिटेशन या मिक्सिंग तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होमोजीनस मिक्सिंग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो क्योंकि हम 15 क्वेश्चन ओनली आपके लिए लेके आते हैं तो मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स एंड इंसोल्यूबल सॉलिड्स इज नॉन एज तो मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स एंड इंसोल्यूबल सॉलिड्स इज नॉन एज तो किसके रूप में जाना जाता है होमोजीनस मिक्सिंग एजिटेशन मिक्सिंग या हेट्रोजीनस या मिक्सिंग <coughs> तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेट्रोजीनस मिक्सिंग यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों इसके थ्रू हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं फिफ्टीन क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं जो दोस्तों हम डेली आपके लिए लेके आते हैं तो दोस्तों दूसरी वीडियो भी आपके लिए लेने लेके आने वाले हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू दोस्तों